बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मायरा अमजद, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैथमेटिक्स ग्रेड वन के अंदर यूनिट नंबर वन को कंटिन्यू करना है। आज का हमारा टॉपिक भला क्या है जी? कंपेयरिंग, हमने कंपेयर करना है। लेकिन किसको कंपेयर करना है? हमने वन डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है। अब वन डिजिट नंबर क्या होता है? वन डिजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें सिर्फ एक डिजिट आए, जैसे कि 5 only 5, 6 only 6। जब आप 6 को लिखेंगे तो उसमें सिर्फ एक डिजिट आएगा। इसी तरह हमने वन डिजिट नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। जैसे अगर मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं और आपके पास 3 पेंसिल्स हैं, तो किसके पास ज़्यादा पेंसिल्स होंगी? आपके पास। और मेरे पास कम पेंसिल्स होंगी, तो आप कहेंगे कि मेरे पास टीचर से ज़्यादा पेंसिल्स हैं। आपने कंपेयर किया ना, आपने अपनी पेंसिल्स को मेरी पेंसिल्स के साथ कंपेयर किया। इसी तरह से आज हमने नंबर्स को कंपेयर करना है, तो जल्दी से अपने बुक का पेज ओपन कर लें। जी तो बच्चों, यहाँ पे देखें, ये है एलिगेटर और एलिगेटर का मुँह खुला हुआ है। एलिगेटर का जो मुंह खुला हुआ है वो ये बता रहा है कि मैं ग्रेटर देन हूँ। और जिस साइड से एलिगेटर का मुंह बंद है वो बता रहा है कि मैं स्मॉलर देन हूँ। और दूसरी साइड पे हमारे पास इक्वल का निशान है, यानी कि मैं बराबर हूँ। अब हमने इसी तरह से देखना है। याद रहे, जो इस तरह का साइन है वो ग्रेटर देन का होता है, जो इस तरह का साइन है वो स्मॉलर देन का होता है, और ये इक्वल टू का साइन है। अब आपके सामने एक एग्जांपल है। आपके पास सेट ए में 6 कप्स हैं और सेट बी में 4 प्लेट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे? कप्स आर ग्रेटर देन प्लेट्स, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, 4 is smaller than 6। लेकिन इसके लिए मुझे greater than और smaller than का symbol इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखें, यहाँ पे 6 is greater than 4 लिखा है। अगर मैं 4 को 6 की जगह पे लिख दूंगी तो मैं यहाँ पे smaller than का symbol लिखूंगी। अच्छा बच्चों, greater than को हम more than भी कह सकते हैं और smaller than को हम less than भी कह सकते हैं। इसी तरह अब आपने एग्जाम्पल नंबर 2 देखनी है, जहाँ पे आप देखें आपके पास कितने बैट्स हैं? 3। और बॉल्स कितनी हैं? ओह माय गॉड, ये तो है 7। तो बैट्स आर स्मॉलर देन बॉल्स, 3 इज स्मॉलर देन 7। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हमारे पास 4 रैबिट्स हैं और 4 कैरेट्स हैं। 4 rabbits, 4 carrots. It means के ये दोनों equal हैं. 4 is equal to 4. अब हम जल्दी से इसकी exercise कर लेते हैं. Next page पर देखिए, आपने क्या करना है? इन में से greater number को tick करना है और smaller number को encircle करना है. यानी कि 2 और 5 में से greater कौन सा है? 5, उसको tick कर दें. और smaller कौन सा है? 2, उसको circle कर दें. और इसी तरह आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने साइन लगाना है। बताएं 5 और 6 में कौन सा साइन आएगा? 5 इज स्मॉलर देन 6, 4 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट में आपने फिल इन द सर्कल्स विद करेक्ट साइन। ओके, 7 और 6 में आप बताएं 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज इक्वल्स टू 6, 9 इज ग्रेटर देन 5, 8 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 4 इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपने क्या करना है? साइन लगाना है, और अब आपने खुद से साइन लगाना है। आपने बताना है कौन सा नंबर किससे कंपैरिजन में बड़ा, छोटा या बराबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव टू टिक द स्मॉलेस्ट नंबर एंड क्रॉस द ग्रेटेस्ट नंबर। देखा बच्चों, हमने नंबर्स को कंपेयर किया। पता चला कि हम नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कौन से साइंस इस्तेमाल करते हैं?
ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसे याद रखना है और कंपैरिजन को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम टू डिजिट नंबर का कंपैरिजन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।